प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं की बैठक मिली जेमा सचिन पायलट और अशोक गहलोत सहित कांग्रेस नेताओं उपस्थित है। आ बैठक में चूंटी परिणाम और मुख्यमंत्री दावेदार ने लईने चर्चा करवामां आवशे एवी पण माहिती छे। राजस्थान ना मुख्यमंत्री ना नाम पर पण मोहर लागी शके छे। आपने जणावी दीए बैठकों दौर की हवे शुरुआत थई चूकी छे जेमा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं की बैठक मिली छे जेमा सचिन पायलट और अशोक गहलोत सहित कांग्रेस नेता उपस्थित छे। आ बैठक में चूंटणी परिणाम और मुख्यमंत्री दावेदार ने लईने चर्चा करवामां आवशे एवी पण माहिती छे। राजस्थान ना मुख्यमंत्री ना नाम पर मोहर पण लागी शके छे। आपने जणावी दीए ज्यारे एक जूथ जोवा मळी रह्युं छे जे सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने तेवी इच्छा व्यक्त करी रह्या छे। जयपुर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय लगभग अर्धी कलाक पहला अशोक गहलोत अशोक गहलोत सचिन पायलट कांग्रेस प्रभारी है राजस्थान कांग्रेस प्रभारी से आ चुक्या है साथ साथ के महत्व नेताओं बोला परिणाम की चर्चा कर रहा है। आ परिणाम की साथ मुख्यमंत्री ने लईने चर्चा करवाना है कि आना दिवसों अंदर के प्रकार फेस ने उभो राखो जो जीने गठबंधन राजनीति अंदर पार पाड़ी शकाय सोसरो निकली सके तो आनी पर चर्चा चाली रही है। एटले आवती काले विधायक दल की बैठक मळवानी छे। विधायक दल ना नेता तरीके चूंटवानुं नक्की करवामां आवशे अने त्यारबाद मुख्यमंत्री नक्की करवामां आवशे। पण एनी पहेला एक प्रकार की स्ट्रेटेजी घड़वामां आवी रही छे। अहींया कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर एक स्ट्रेटेजी ना भाग रूपे बधाने बोलावामां आव्या छे अने खास करीने एनी चर्चा करवामां आवी छे कि कांग्रेस ने बे सीट दूर छे ज्यारे बहुमतीथी दूर छे कांग्रेस बे सीट त्यारे गठबंधन की राजनीति रचावानी छे। एनी अंदर बीएसपी अथवा तो बीजा निर्दलीय उम्मीदवारो छे एने साथे लेवाना थशे अने केटला कांग्रेस छोड़ीने अपक्ष उभा रह्या हता ए पण जीत्या छे तो एने पण साथे लेवाना थशे। आ संजोगोमां कयो अपक्ष छे कोनी साथे वधारे ट्यूनिंग धरावे छे अने केवी रीते खेंची शकाय अने ए अपक्ष ने फरीवार कांग्रेसनी अंदर भेळवी शकाय अने कांग्रेसना नामे सीटनो वधारो संख्या वधारी शकाय ए प्रकारनी एक रणनीतिना भागरूपे पण एक चर्चा चाली रही छे। लगभग चार थी पांच एवा अपक्ष उम्मेदवारो छे जे कांग्रेसना छे अने जीती चूक्या छे अने एओ पाछा पण कांग्रेसमां आवा तैयार छे तो तेओ आवशे त्यारे कया प्रकारना तोड़जोड़ साथे आवाना छे एटले के कोई मंत्रीपद मांगवाना छे के नथी मांगवाना अने ए आवशे तो केवी रीते एने समावानो समावेश थशे। आ साथे साथे बन्ने नेताओ छे एनू एनी साथे एनू ट्यूनिंग हतुं तो केवा प्रकारनुं हतुं अने तेनी नाराजगी थी तेओ कांग्रेस छोड़ी तो केवा प्रकारनी नाराजगी छे एनी पण चर्चा थई रही छे। साथे साथे नानी एक बे पार्टी एवी छे जेने कांग्रेस ने सपोर्ट आप्यो छे ए सपोर्ट लगभग एक बे धारासभ्य पूरतो मर्यादित छे तो आ लोकोने केवी रीते समावा अने एने केवी रीते पार्टीनी गठबंधननी अंदर समावा जेथी करीने कांग्रेसनुं संख्याबळ छे ए वधे अने आवनारा दिवसोनी अंदर क्यारे ज्यारे लघुमती मां आवे अथवा कांग्रेसनी अंदर कोई प्रकारनी ज्यारे कोई विटामणा ऊभी थाय त्यारे एनी साथे रहीने केवी रीते काम करी शकाय आ तमाम प्रकारनी चर्चाओ अत्यारे अंदर चाली रही छे। तो आवतीकाले ज्यारे विधायक दलनी बैठक मळवानी छे तो एनी पहेला जे प्रकारना माहोल बनावानो छे एनी पहेला जे प्रकारनी रणनीति घडवानी छे ए रणनीतिनी चर्चा चाली रही छे। आपने जणાવી દઈએ કે કોંગ્રેસને જે પ્રાથમિક રુઝાન મળતા હતા એ પ્રાથમિક રુઝાન છે સ્પષ્ટ બહુમતી તરફ ના હતા પરંતુ છેલ્લે છેલ્લે જે પ્રકારની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે એ પ્રકારની છેલ્લી જે સ્થિતિ એ છે કે અત્યારે લગભગ 99 સીટ ઉપર કોંગ્રેસ જીતી ચૂકી છે એક સીટમાં કોંગ્રેસ આગળ છે એટલે કે જો કોંગ્રેસ જીતે તો 100 સીટ સુધી જીતી શકે એમ છે તો હવે એક સીટ જે છે બહુમતી માટે એ બાકી રહે છે અને સાથે સાથે આ નિર્દલીય અને અપક્ષ ઉમેદવારો અને કેટલીક નાની પાર્ટીઓ છે એના ઉમેદવારો પણ કોંગ્રેસ ને ટેકો આપવા તૈયાર છે તો આ તમામ પ્રકારની ચર્ચાઓનો દોર અત્યારે ચાલી રહ્યો છે અંદર જી જી આભાર દેવસી સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ